हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से। निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं, तो कल मंथली एक्सपायरी भी उस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कल निफ्टी की और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। वैसे तो आज होती है बैंक निफ्टी की, लेकिन अब मंथली पे थर्सडे पे होती है, ठीक है। तो आज मार्केट ने ये सपोर्ट लेवल था यहाँ पे निफ्टी का 19224 के आसपास का, ये लेवल भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने और नेगेटिव यहाँ पे मार्केट अच्छा ट्रेंड दिखाया है यहाँ पे इसी पे। अब कल के लिए देखेंगे एक बार, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखो, अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर पोजिशन यहाँ पे टारगेट जो दिख रहे हैं यहाँ पे 18900 के आसपास तक के टारगेट दिख रहे हैं, क्योंकि मिड में यहाँ पे कोई भी सपोर्ट लेवल है नहीं इम्पोर्टेंट। अगर यहाँ पे देखो ये जगह पर कहीं भी है नहीं, डायरेक्ट फिर यहाँ पे 18900 के आसपास दिख रहे हैं यहाँ पे जगह पर। ये वीकली पे भी अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे और डेली पे भी यही सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे इस जगह पर। हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है। ये देखो पहले ना इसने यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजेक्शन लिया, इस जगह से यहाँ से मार्केट ऊपर गैप अप जाने की कोशिश करी। देखो एकदम से यहाँ पे आती ओपन होती शॉर्ट मत करना कभी भी ऐसी कंडीशन, क्योंकि प्रीवियस वाले में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो इसमें शॉर्ट कवरिंग के चांस मिल जाते हैं। तो जब इसको ऊपर जाए थोड़ा बहुत, उसके बाद लेवल ब्रेक करिए, तब यहाँ पे एंट्री का प्लान कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। और आज भी देखो ये हुआ कि ऊपर गया, और ये कल मैं डिस्कस भी करता था अगले वीडियो में अपने, कि ऊपर जाए थोड़ा बहुत यहाँ पे फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है वापस उस लेवल के हिसाब से। तो वहाँ पे वापस बीच में सेलिंग प्रेशर आया यहाँ पे, और उसके बाद देखो फिर गिरावट भी अच्छी कर दी। अब कल के लिए पहला रिजेक्शन लेवल ये है 19180 के आसपास, वो यहाँ पे सपोर्ट आएगा 19071 के यहाँ पे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर तो 19000 तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं इसमें। और बाकी 18900 तक के टारगेट है वो तो पोजिशन है ही से यहाँ पे, अब जब आए आगे से जब भी, तो मैं मार्क करता हूँ उसको। इसमें देखो इसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे एक बार, ये 18000 यहाँ पे 900 के टारगेट हमारे इसमें, तो फिर ये पोजिशनल टारगेट बन जाएंगे यहाँ पे 18900 के आसपास जब भी आएगा यहाँ पे इसको लेवल को ब्रेक करता है। और कल मंथली एक्सपायरी एक बार ध्यान रखना है यहाँ पे, शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी तो बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि जो भी शॉर्ट कर हुआ है मार्केट में इतने सारे ने बनाया ट्रेंड, तो वो सबकी प्रॉफिट बुकिंग बनेगी, तो उसका ट्रेंड अच्छा बन सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना एक बार, कल अग्रेसिव शॉर्ट मत करना, कल जब भी मौका मिले एक बार कॉल की साइड देखना यहाँ पे मौका मिल सकता है। क्योंकि आप ये समझो यहाँ पे क्लियर, जो यहाँ से मंथली पे क्लोज शॉर्ट करके बैठे 19840-50 के यहाँ से कंटिन्यू जिन्होंने शॉर्ट कराया यहाँ पे, इस लेवल को ब्रेक होने पर शॉर्ट हुआ है यहाँ पे मार्केट में, तो यहाँ पे जब भी इनकी प्रॉफिट बुकिंग आई तो फिर ट्रेंड एक बार पॉजिटिव निकल सकता है। और वो मतलब वो लॉजिकल नहीं आएगा, वो शॉर्ट कवरिंग वाला मोमेंट आएगा उसमें, वो सब प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो शॉर्ट कवरिंग आती है वो वाला मोमेंटम आएगा इसमें। तो सिर्फ कल उसी को ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसे कंडीशन में। अगर आज के लो के आसपास मिल जाए एक बार तो वहाँ पे ट्रेड देख सकता है यहाँ पे कॉल के साइड में, और स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ से मोमेंटम अच्छा मिल सकता है। पहले फिर 19260 का टारगेट, फिर उसके बाद ये यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस जगह के, यहाँ पे 19347 ये सब टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कर दीजिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक बार हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे। देखो बैंक निफ्टी में भी ये वाला लेवल था अच्छा एक, इसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था, आज का जो प्रीवियस लो था उसको भी ब्रेक करा। और देखो आज जो रिजेक्शन लिया ना मार्केट ने वो क्या बनाया, 4397 ये लेवल था यहाँ पे रिजेक्शन का, वहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ एक बार, ये देखो सेम यहाँ पे 4391 के आसपास रिजेक्शन लिया मार्केट ने इसी जगह पर। क्योंकि डेली पे देखो, डेली पे क्या हो रहा है ना, इस जगह पर यहाँ पे मल्टीपल प्राइजेक्शन बन रहे थे, तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर रखा था 4391 के यहाँ पे, तो इसी जगह को वापस इसने रिजेक्शन पॉइंट बनाया और वहाँ से मार्केट वापस गिरा देंगे ऐसे जगह पर। तो ये हमारे को वहाँ पे कंसिडर करने के लिए होता है कि जब भी हम रिजेक्शन या सपोर्ट लेवल बनाते हैं वो होता है कि वहाँ पे हम कॉल या पुट के लिए कौन सी कंडीशन के लिए हम प्लान करें वहाँ पे मार्केट कंडीशन देख के। यू नहीं के ऊपर रिजेक्शन है तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पुट लेना है या फिर सपोर्ट बाय डिफॉल्ट कॉल लेना है, वो कंडीशन देखेंगे वहाँ पे उस जगह पर क्या सिचुएशन बन रही है। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल आ रहा है 42776 का, और ऊपर एक रिजेक्शन लेवल आ रहा है यहाँ पे इस जगह के आसपास पहला, तो ठीक है ये यहाँ पे आएगा जब भी इस जगह रेंज में यहाँ पे आता है तो एक बार बाइंग के लिए मौका मिल सकता है। अगर यहाँ पे निकलता है ऊपर की तरफ तो अच्छा टारगेट यहाँ पे 43000 का देखने को मिल सकता है। 43000 के बाद यहाँ पे एक बार मिड में आप देखो मल्टीपल रिजेक्शन लेवल बनेंगे, एक आएगा सबसे पहले इस जगह के आसपास 43187, फिर आएगा 43391 का, तो ये इसके रिजेक्शन लेवल बन जाएंगे यहाँ पे कल के लिए। और अब इसमें बैंक निफ्टी में वीकली सपोर्ट भी यहाँ पे और मेन सपोर्ट लेवल आ रहा है इसमें आ रहा है एक, तो ये देखो ये जहाँ पे बंद हुआ है इसी जगह के यहाँ पे मेन सपोर्ट लेवल है, अगर इसके नीचे सस्टेन करके आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, तो फिर वीकली पे भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ऐसी कंडीशन, ठीक है। तो बाकी इसकी इसका ध्यान रखना यहाँ पे इसके नीचे जाता है फिर तो हम देखते हैं और मेजर सपोर्ट लेवल कहाँ आ रहे हैं। इसके बाद देखो बन रहा है एक सपोर्ट लेवल आ रहा है फिर यहाँ पे इस जगह के आसपास आ रहा है ये 42613 के आसपास, फिर ये हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट हमारे टारगेट हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये आज का लो ब्रेक करके सस्टेन करता है तो। पर जहाँ तक कंडीशन देखो क्या है ना, अभी जो इस मंथ का हम देखते हैं डेटा,
इस मंथ में यहाँ पे शॉर्ट होना शुरू हुआ होगा सेप्टेम्बर पर, अक्टूबर अक्टूबर में अगर जो भी यहाँ से जिन्होंने शॉर्ट करा हुआ इस जगह से यहाँ पे, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस बन सकते हैं ऐसे में, तो वो ध्यान रखना, फिर शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम एकदम से आ सकता है इस चीज में। तो कल मंथली एक्सपायरी, इसलिए हम ये चीजें प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, उस चीज का ध्यान रखना, वो कल आ सकता है फिर परसों हो सकता है, एक दो दिन में आने के चांसेस रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।